बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा जिला प्रशासन के सौजन्य से युवा उत्सव का आयोजन किया गया है। कला भवन के सुधांशु रंगशाला में दो दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव का एडीएम केडी प्रोज्वल ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इसमें प्रदर्श कला, चाक्षुष कला, लोक नृत्य, संगीत सहित रंगमंच के कलाकार अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। एडीएम ने चाक्षुष कला के कलाकारों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। जिला स्तरीय युवा उत्सव में विजयी प्रतिभागियों को सहरसा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिलेगा और इसके आगे राष्ट्रीय स्तर पर भी शामिल होंगे। एडीएम ने कहा कि कुल 20 विधाओं में कलाकार भाग ले रहे हैं। इसके माध्यम से उभरते हुए कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। रंगमंच के कलाकार अमित कुमार ने अपनी कला प्रतिभा का जौहर दिखाया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। ये कला संस्कृति एवं युवा विभाग से ये स्पॉन्सर्ड है और जिला प्रशासन इसको जो जिला के उभरते आर्टिस्ट हैं विभिन्न 20 विधाओं में उसी का हम लोगों ने आवेदन वगैरह लिया था और आज उसी के दो दिवसीय कार्यक्रम है। तो इसमें जो चयनित होते हैं किसी भी विधा में, चाहे वो सोलो में हो या ग्रुप में हो, तो उनको फिर राज्य स्तरीय भेजा जाएगा और फिर वहाँ से वो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम में भाग लेंगे। पूर्णिया कलाकारों की धरती रही है, ऐसे में जिला प्रशासन का कितना सहयोग मिल पाता है? अभी आप देखे होंगे कि एक हम लोगों ने उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक परिषद का भी एक कार्यक्रम जो दूसरे जिलों ने नहीं कराया उसको भी हम लोगों ने यहाँ कराया था। और आए दिन आप देखे होंगे कि ये जो कला भवन है कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है और जो भी आर्टिस्ट हैं ऐसा नहीं कि प्रशासन के सहयोग से ही वो करें, उनमें वो क्षमता है कि अपने करते हैं और हम लोगों का भी जहाँ तक जिला प्रशासन के सहयोग की अपेक्षा रहती है इनको, वहाँ हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं।